हे hey दोस्तों कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होंगे एक और नई वीडियो में आ चुका हूँ वो भी ओला एस वन एक्स प्लस के साथ बेसिकली इस स्कूटर के साथ मेरे हजार किलोमीटर मैंने राइड कर लिया है और किस कंडीशन में मैंने इसको चलाया है किस तरह की रास्तों में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है वो आज मैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें यदि आप भी इस स्कूटर को लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें गाइस इस स्कूटर में मैंने जैसे हज़ार किलोमीटर राइड करा है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैं क्वालिटी की बात करता हूँ सस्पेंशन की पहले मैं बात करता हूँ फ्रंट में यदि आप सस्पेंशन इसके देखते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक फिट एंड फिनिश करा गया है बट अभी तक मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है यदि आप नज़दीक आओगे और मैं दिखाता हूँ सस्पेंशन को तो इसके सस्पेंशन से थोड़ी सी आपको आवाज़ सुनने में आएगी ये पता नहीं प्रॉब्लम है या फिर ऐसे ही इस स्कूटर में होता है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो इसका थोड़ी सी नॉइज ज़्यादा आता है और जब अपन राइड करते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत अभी फिलहाल मेरे को समझ में आ रही है फ्रंट सॉकर से लेकर देन पीछे चलते हैं रियर शॉकर की बात करते हैं रियर शॉकर में आपको जो इस स्कूटर में एक्सपीरियंस मैंने अभी तक फिलहाल किया है क्योंकि मैंने कई जगह इसको राइड किया है ऑफ़ uh, रोड भी मैंने इसको चलाया हुआ है अपने गाँव भी गए हूँ तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी quality... A1 है यदि में से मैं इसको फोर रेटिंग देना चाहूंगा तो दोस्तों जो रियर के सॉकर वो अभी तक मेरे को हजार किलोमीटर में किसी तरह की दिक्कत समझ में नहीं आई बट फ्रंट में जैसे नॉइस देखने को मिलता है उसी तरह इसमें भी थोड़ा सा नॉइस मेरे को दिखने को मिला है देन इसके बाद मैं इस स्कूटर में करीबन तीन लोग राइड किया हूँ वो भी बीस से पच्चीस किलोमीटर इको मोड में तो उसमें भी मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई अभी रियर सॉकर में तो वो भी ए है दोस्तों आप लोग काफ़ी अच्छा वीडियो में सपोर्ट कर रहे हो और अच्छी खासी कमेंट भी करते हो लाइक भी करते हो तो एक सब्सक्राइबर मेरे ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट करा था कि आपको पंद्रह सोलह दिन हो चुके स्कूटर को लिए हुए अभी तक एक्सपीरियंस सेंटर कितनी बार गए हो तो एक प्रॉब्लम थी इस स्कूटर में जो कि जेनविन नहीं थी पता नहीं थी नहीं थी आ, तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके सामने इसमें क्या रहा था कि जो जब मैं इस स्कूटर को चार्ज कर रहा था उससे रिलेटेड थी जैसे मैंने इसको एट्टी थ्री परसेंट यह स्कूटर फुल्ली हो गई थी अब एट्टी फोर होने में ज़्यादा टाइम लग रहा था मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी करा तो एट्टी फोर होने में करीबन मेरे को लगा बीस से बाईस मिनट का टाइम लग रहा था उसको मैं रिकॉर्ड भी प्रॉपर करा हुआ हूँ तो वो थोड़ी सी दिक्कत थी तो वो प्रॉब्लम लेकर मैंने सेंटर गया और सेंटर जैसे ही मैं सेंटर पे जाता हूँ तो उन्होंने अपने चार्जर से प्लैक किया इसको और एक बारी रिसेट किए मतलब कि चार्जर को रिसेट किए देन उसके बाद इजली होने लगी तो थोड़ा बहुत इशू अभी फिलहाल मेरे को चार्जिंग से लेकर आई है और ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करी जिसमें ज़्यादा दिक्कत हो मेरे दोस्तों ओला एस वन प्लस में अभी मेरे को अनलॉक करने में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है जो मेरा मोबाइल अप्लीकेशन है ओला इलेक्ट्रिक का उससे अनलॉक अनलॉक नहीं हुआ करता वो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था और अब फिर से बता रहा हूँ क्योंकि वो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गया स्कूटर को पार किया मार्केट में देन उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन से अनलॉक नहीं हो रही स्कूटर तो वो एक मेरे को मेजर इशू देखने को मिला है देन इसके बाद ये स्कूटर में थोड़ा सा दिक्कत बोल सकते हैं या नॉर्मल है ऐसा होना ही चाहिए ई पे ओला ई पे बेसिकली यह स्कूटर क्या होती है कि ऑटोमेटिक रिबूट होती है अब एक दिन में दो से तीन बार हो जाती है आ, कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन में होती भी है नहीं भी होती है तो अभी तक मेरे को रिबूट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी स्कूटर को जैसे मैंने कई पार किया मार्केट में और फिर अनलॉक करता हूँ तो अपने आप रिबूट हो जाती है तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे मैं स्कूटर को अनलॉक करता हूँ तब क्या आपके स्कूटर में होता है अभी फ़िलहाल मेरे स्कूटर में ये सारी चीज़ें हैं मैं जहाँ तक एक्सपीरियंस किया हूँ दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक में मैंने ऐसे स्कूटर को रात में भी काफ़ी अच्छा चलाया है और करीबन हज़ार किलोमीटर में सौ किलोमीटर में रात में ही यूज़ किया हूँ तो उस हिसाब से जो फ्रंट हेडलैम्पस की क्वालिटी है विजिबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन मेरे को अभी फिलहाल लगी किसी तरह की प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई इसके साथ ही एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यदि मैं कहीं जाता हूँ मार्केट में या रात में जाऊँ या दिन में जाऊँ स्कूटर को कहीं पार करता हूँ ना तो लोग बाग आकर देखते हैं है क्या चीज़ और सबसे बड़ी बात ये है कि इधर बहुत लोग शायद वीडियो में देखे हों या उनको ऐसे रेंडम क्लिक करते हो इधर चार्जिंग पोर्ट जो है उसको क्लिक करते हैं बार बार एक दो बंदे लास्ट लाइक दो से तीन दिन पहले की बात है दो तीन लोग ऐसे क्लिक किए और ये ओपन छोड़ कर ही चले गए जब मैं आता हूँ तो ये सारी चीजें मेरे को थोड़ा सा बेकार लगती है तो इसमें यदि कोई ओला इलेक्ट्रिक की ओर से प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाए लाइक खुद ऑपरेट करना पड़े तब बेटर हो सकता है दोस्तों ओला एस वन एक्स प्लस में जो नॉइस है वो थोड़ा सा मेरे को इस स्टूडेंट बेसिकली देखने को मिल रही है अब वो कहाँ से आती है वो मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ फिलहाल पहले तो नहीं थी बट अभी मेरे को जो नोइस आ रही है इस जगह से यहाँ पास ये आवाज करती है फुटरेस्ट दोनों साइड का तो जैसे मैंने इस स्कूटर में जैसे पंद्रह हजार पंद्रह सौ किलोमीटर होगा जितने दिन होते जाएंगे पुराना लगता है और आवाज़ करे जो फुटरेस्ट की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी और अच्छी करी जा सकती थी देन इसके बाद अब मैं स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज क्योंकि मैं सिटी में ज्यादा राइड करता हूँ जितना भी यहाँ पास स्टोरेज दिया जाता है जैसे फ्रंट में जो दो पॉकेट है वो काफी यूजफुल है मेरे लिए फिलहाल ये जो फ्लैट फुटबोर्ड है वो तो यार बहुत ज्यादा यूजफुल है इसमें मैं कुछ भी रखकर घूमता हूँ फिलहाल देन अंडर जो स्टोरेज है उसमें भी काफ़ी अच्छा स्टोरेज है तो उसका भी काफ़ी यूज़ मैंने करा है बेल दोस्तों ओला एस वन प्लस में यदि आप पानी में इसको धुलते हो या चलाते हो तो थोड़ा सा दिक्कत आती है फिलहाल पाँच से छः दिन पहले हमारे यहाँ बारिश हो रही थी तो मैं इस स्कूटर को थोड़ा सा राइड भी किया और पानी में भी खड़ी थी तो उस दौरान मैंने क्या चीज़ फेस करी कि पीछे से कुछ आवाज़ आ रही थी नॉइस आ रही थी अब पता नहीं उस चीज क्या चीज़ था किसकी नॉइस आ रही थी वो तो मेरे को फिलहाल नहीं पता और जब मैं इस स्कूटर को राइड कर रहा तो बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी देन जैसे ही मैंने इसको बहुत तेज़ी से आई तो स्कूटर को एक साइड फार कर कर देखा कि किस चीज़ की आवाज़ है मोटर की तो आवाज़ नहीं थी बट सौ के मैंने थोड़ा सा दबा कर देखा पुश कर कर देखा तो वहाँ से भी नॉइस नहीं आ रही थी बट ऐसे समझ में आ रहा था कि जो ब्रेक है उससे थोड़ा सा नॉइस मेरे को दिख रही थी तो मैं जो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पास यदि आप देखोगे इसकी जो स्प्रिंग होती है और ये जो बोल्ट है उसको मैंने थोड़ा सा लूज़ किया फिर मैंने ट्राई किया तो वो नॉइस चली गई थी ऑटोमेटिक तो थोड़ा सा ब्रेक के, क्योंकि पानी उसमें शायद चला गया रहा होगा और जो ब्रेक्स हुए हैं वो फूल कर हो सकते हैं थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा हुआ हो तो इस वजह से नॉइस रहा होगा बट उस तरह से ब्रेक की यदि क्वालिटी की बात करूँ अभी तक फ़िलहाल मेरे को ब्रेक से कोई भी शिकायत नहीं है और मैं अभी इस स्कूटर में ज़्यादातर रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ करता हूँ ब्रेक का तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता थ्रॉटल ही पीछे करता हूँ रिवर्स करता हूँ देन उसके बाद ही ब्रेक लगता है तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी देखी है इस स्कूटर पर बिल दोस्तों ओला एस वन प्लस की स्पोर्ट मोड की यदि बात करें या नॉर्मल मोड की बात करें तो दोनों मोड में ही मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कूटर को यूज़ किया है अब यदि बात की जाए मोटर की तो मोटर में अभी तक मेरे को कोई भी प्रॉब्लम दिखी नहीं करीबन मैं स्पोर्ट मोड में यदि बात करूं 80 से ऊपर मैं 6 से 7 किलोमीटर कंटिन्यू हाईवे में रन किया हूं तो उस दौरान मैंने नोटिस किया है क्योंकि ये मेरे को चेक करना था कि मोटर में किसी तरह की आवाज़ नहीं किसी तरह की हीटिंग इशू नहीं और स्कूटर में किसी तरह की प्रॉब्लम मेरे को अभी फिलहाल नहीं दिखी तो ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है मेरे को यह स्कूटर और इसके साथ ही रेंज से यदि बात करूं तो रेंज टेस्ट की वीडियो मैंने आपको ला ही दी है रेंज मेरे स्कूटर में जो है तो नाइन्टी फाइव मिल ही जाती है नॉर्मल में कोई दिक्कत अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और जो ये एक्सपीरियंस था मेरा वन थाउजेंड किलोमीटर में था देन दूसरा जो मेरा अब वीडियो आने वाला है टू थाउजेंड किलोमीटर में मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में से बता सकते हैं और किस तरह की वीडियो आनी चाहिए वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक टेक केयर बाय जय हिंद